table yeah, आई थिंक आई एम विजिबल एंड ऑर्डिबल नाउ ऑल राइट तो बच्चों सिस्टम हो गया हैंग आपको पता है कि जितना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है ना थोड़ा बहुत तो नुकसान भी होता है तो सिस्टम हैंग होने के कारण मुझे काफ़ी देर लगी मैंने वेट किया कि लेट इट भी ओके लेट इट भी फाइन बट वो हो नहीं रहा था तो आई थॉट ऑफ स्विचिंग टू दिस थिंग ऐसे करने का तो कुछ नहीं मैं आई एम स्टिल बेटिंग कि सिस्टम वापस से रिकवर हो जाए एंड देन वी विल स्विच टू दस अपना डिजिटल बोर्ड क्योंकि सारे बच्चों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने की आदत है और सबसे बड़ी बात है मैम को पढ़ाने की आदत है सो so, चलो लेट मी गेट स्टार्टेड ऑफ माय नेम इज मोनिका बेदी आई डिड माय पीएचडी इन केमिस्ट्री आई हैव Uh, 14 years of teaching experience and uh, I have qualified National Eligibility Test for Lectureship which is conducted by CSIR and my rank in this test was among top 30 all over India. I am also among the top most educators in the category Anacademy 11th and 12th but so please ensure that you have joined this particular telegram group uh, and uh, this is these both are the QR codes which you have to scan for your notes. एंड दिस इज़ अ के स्ड्यूल फॉर दोस्त बच्चा और पार्टी जो नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो ये क्लास इलेवंथ का स्केड्यूल आप शेयर कर सकते हैं आपके जूनियर्स या फ्रेंड्स के साथ ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को चार से पाँच इलेवंथ होती है एंड मंडे वेंसडे फ्राइडे को नौ से दस आपकी ट्वेल्थ होती है एक और बात बच्चों कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट होने जा रही है क्लास इलेवेंथ की तो अगर आपने क्लास इलेवंथ की ऑर्गेनिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है आप मिस करते हैं तो पूरा वन मंथ यूट्यूब पर ऑर्गेनिकलेगी तो आप जरूर से जरूर पढ़ें कल फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और हेलो हेलोल्स हेलो अरस की लाइव क्विज़ यानी कि जितना चैप्टर हम कर चुके होंगे वेंसडे तक वेंसडे को ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर को इसका आ, फ्री स्पेशल क्लास होगा जो कि प्रैक्टिस क्लास होगा लाइव पोल्स होंगी बोर्ड होगा बहुत मजे आने वाले हैं क्लास को ओपन एम बी लाइव कोर्स से करना है सिलेबस क्या है उतना ही कंटेंट जितना मैं पढ़ा चुकी होंगी टिल वेंसडे हमारी क्लास मंडे को होगी वेंसडे को मॉर्निंग तो मंडे की क्लास अभी और लगेगी अपनी है ना तो मंडे की क्लास तक हम जितना पढ़ चुके होंगे उस पर आपकी ये कुछ डिज़ाइन होगी ठीक है एंड बी द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस सीबीएसई टर्म वन एग्जाम एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न कैसे एमर्ज ने अपनी शक्ल बदल ली है एमर्ज इज नाउ गोइंग टू टेक योर प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें यू आर गोइंग टू गेट ऑल इंडिया रैंक वीडियो सोल्यूशन बाय इंडियाज टॉप मोस्ट एडुकेटर्स एंड डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज इन एट अमेजिंग आप लोग का एग्जाम है ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर को यानी कि ट्यूजडे को ठीक है तो ट्यूजडे को आप एनरोलमेंट मतलब तो एनरोल पहले कर लें ले, एनरोलमेंट भी फ्री है एग्जाम देना भी फ्री है एंड एनरोलमेंट कोड इज एम बी लाइफ ठीक है ध्यान रखें इसको लिख लें एनरोलमेंट कोड इज एम बी लाइफ ओके आगे चलता है हाँ तो अन अकाडमी सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं वैसे इसको मैं एंड में डिटेल में समझा दूंगी अभी सिर्फ इतना बताऊँगी बच्चों कि प्लस पे जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उस पर हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम मिस करें अच्छा एक और गुड न्यूज़ चलो गुड न्यूज़ तुम सोचो कि आज क्या होने वाला है तुम मेरे को चैटबॉक्स में आंसर करो मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बताती हूँ देखते हैं कौन सा आंसर लगता है आज कुछ मस्त इंटरेस्टिंग है तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में आप लोग को एक क्लासरूम का माहौल मिलता है आप अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं डुकेटर्स से बात कर सकते हैं है। आपको प्रॉपर हमारे तरफ से स्टडी मटेरियल मिलता है ठीक है पीडीएफ फॉर्मेट में आपके समय समय पर क्या होते जाते हैं टेस्ट होते जाते हैं है ना काजल मिश्रा बेटा ऐप ओपन करो देखो अपने आप पता लगेगा एंड इसके अलावा आपको टॉप डुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं ऑफलाइन में कहाँ होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन और डाउट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी स्टूडेंट का डाउट क्लियरिंग नहीं हो रहा ना तो बस फिर तो किताब पढ़ लो वो सभी की बात है तो डाउट क्लियरिंग बहुत ज्यादा वैल्यू करता है किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे ही आएंगे जब आप एनसीआर के सवाल लगाएंगे तो आपको डाउट्स आएंगे ही आएंगे बच्चों का मन बहुत इनोवेटिव होता है और इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे यहाँ एक फिक्सड डिसिप्लिन पैटर्न है तीन क्लासेस के बाद एक डाउट क्लास इसके अलावा क्लास में भी आप डाउट पूछते हैं तो भी हम उस चीज़ को एड्रेस uh, करते हैं इसके अलावा मैं हर एडुकेटर का अपना अलग अलग पैटर्न है मैं खूब होमवर्क देती हूँ और स्पेशली ऑर्गेनिक में खूब ज़्यादा हर एक टॉपिक पे होमवर्क की वर्कशीट आपको मिलती है नोमट लैचर करेंगे तो नोमट लैच की वर्कशीट प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन की वर्कशीट इतना भर भर के होमवर्क मिलता है कि डेफिनेटली प्लस के बच्चे पे कपर एज हो जाती है अब आप बहुत सारे बैचेस होते हैं जिसके लिए आपके पास चॉइस होती है तो दिस इज द कोर्स यानी बैच जो चल रहा है ये अपकमिंग है कॉमर्स का ह्यूमैनिटीज का एंड एम बैच साइंस का लॉन्च होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि डिटेल्ड पढ़ाने वाला बैच ये रहा और एम बैच साइंस का आने वाला है मतलब आप सोचो और ये नहीं है कि आपने इस बैच के लिए एनरोल कर लिया तो आप इस बैच

वेंसडे से अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही है आपकी अपनी एम बी मैम प्लस के प्लेटफॉर्म पे जिसके लिए आपको एनरोल करना है एंड सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड एम बी लाइव अब मैं आपको एक मस्त न्यूज देने वाली हूँ जेई नीट के सब्सक्रिप्शन पे सेवेंटीन ऑफ सेप्टेम्बर तक ट्वेंटी परसेंट ऑफ का मामला था ठीक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ तो भाई हमारे सी बी एस ई वाले भी क्यों पीछे रहे सी बी एस ई में भी एक जबरदस्त ऑफर आया है मैं आपको बताती हूँ कौन सा टीचर्स डे मंथ के चलते देखो इसमें वो स्लाइड लगा लगी नहीं क्योंकि है क्योंकि सिस्टम बहुत चेंज में जो है एटीनथ सेप्टेम्बर के बाद से बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज एंड सी बी एस सी पे ट्वेंटी परसेंट ऑफ है अगर आप नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ऑफ है और अगर आप एक साल का या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो यू विल बी गेटिंग ट्वेंटी परसेंट क्योंकि हमारे सी बी एस सी के बच्चे क्यों पीछे रहे अगर जेई नीट वालों को ऑफ मिल रहा है तो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ बाई यूजिंग रेफरल कोड डे एम बी लाइफ बाई एल टेकिंग जेई नीट सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन अवेल दिस ट्वेंटी परसेंट ऑफ अगर आप एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं सी बी एस ई पे और फिफ्टीन परसेंट ऑफ अगर आप एक साल से कम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बहुत अमेजिंग है बच्चों अब तो सोचने की बात ही नहीं है अगर लेट से आपने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का तो अब तक तो इस पर सिर्फ फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ हो रहे थे आपके फेवरेट टीचर के रेफरल कोड अप्लाई करने पर अब इस पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ होगा विच मीन्स तीन हजार ऑफ हो जाएंगे इट विल कॉस्ट यू ओनली रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट इट विल कॉस्ट यू ओनली रुपी यहां लिख देती हूँ मेरी आदत थोड़ी बिगड़ गई है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा के फिफ्टीन थाउजेंड का सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड में ठीक है बाई यूजिंग मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी लाइफ अभी तक तो किसी ने बताया नहीं आज क्या सरप्राइज आने वाला है और ये आप देख सकते हैं इसको जस्ट हैवन आए इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी इन सारी चीजों को और अब हम फटाफट रिविजन कराते हैं जल्दी बताओ ज्योति का <specialize> ज्योति का बेटा ये डार्क कोबरा नाम से आया आज उत्कृष्ट तो हाय सुरभि हेलो सावन आई एम फाइन गुड थैंक यू सो मच सावन किसी को भी सरप्राइज नहीं रिवील कर पा रहा कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं आज मेंटी होने वाली है वैसे परसों मैंने डिक्लेयर किया था तो इट्स नॉट दैट सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग परसों ही मैंने बोल दिया था कि मेंटी होगी तो भाई मेंटी की तैयारी करवा दू पंद्रह बीस मिनट पढ़ा देती हूँ फिर टेस्ट लेती हूँ मेरे ऑफलाइन में भी दिस इज द हैबिट कि मैं पहले रिवीजन कराती हूँ फिर टेस्ट लेती हूँ तो एक्साइटेड फॉर मेन्टे ऑल राइट right, तो चलो स्टार्ट करते हैं आ, बच्चों प्रिपरेशन हमने पढ़ी है और आज हम पूरी कंप्लीट कर देंगे हिलोल गेम्स की प्रिपरेशन पोर्शन आज मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ और प्रिपरेशन पे ही आज तुम्हारा टेस्ट है ठीक है तो प्रिपरेशन हमने सबसे पहले किससे की थी अल्कोहल से की थी ऑल राइट ये थोड़ा स्लाइड दिख नहीं रहा होगा मैं साइड हट जाती हूँ अल्कोहल से हमने प्रिपरेशन की थी एच सी एल जेड एन सी एल टू ये ल्यूकास रिएजेंट है ल्यूकास रिएजेंट से क्या ऑर्डर होता है थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री वैसे पड़ा हुआ है आपका पी एक्स थ्री से क्या ऑर्डर होता है पी एक्स थ्री का बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है एच थ्री पी ओ थ्री नहीं नहीं मैं उल्टी दिशा में हट गई एच थ्री पी ओ थ्री पी सी एल फाइव से क्या होता है पी ओ सी एल थ्री एंड एच सी एल एस ओ सी एल टू से क्या होता है आपका ये बेस्टम बेस्ट टेक्निक होती है रीजन बेस्ट क्यों होती है ये क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट एस्केपेबल गैसेज होते हैं एंड ये भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको याद करनी है देन हाइड्रोकार्बन के अंदर आप एल्केन सेल्किन well से बना सकते हो तो एल्केन से मैकेनिज्म का नाम क्या होता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वॉट इज द नेम ऑफ द मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एल्किस के थ्रू तीन तरीके हैं जिससे हम एल्कालाइट बना सकते हैं इफ यू रिमेंबर बच्चा पार्टी तो एल्कीस में हमने क्या किया था कि एल्किस में हमने एचिक्स एड किया था जिसको हम हाइड्रो बोलते थे X2 टू किया था क्या हुआ बिट्टू सब कुछ रिवाइज तो हो रहा है ना अच्छे से एक्स टू ऐड किया था तो इसको हम हैलोजिनेशन बोलते हैं और एलाइलिक हेलोजिनेशन हमें आज पढ़ना है और ये हेलोजन एक्सचेंज हमें आज पढ़ना है मैं अभी चेक करूंगी सिस्टम ठीक होगा तो मैं डिजिटल बोर्ड पर स्विच करूंगी ठीक है ओके सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये हो गया हमारा दिस वन इज डन ल्यूकास थ्री टू वन डिग्री ऑर्डर होता है प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज uh, कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस पर पोल आई मीन कोइज क्वेश्चन बन सकता है ये एक रिएक्शन है जो मैम को ज्यादा पसंद तो नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट ना मैम के पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है तो एनएसएल और एच के मदद से हम एल्कोहल को एल ब्रोमाइड में बदल सकते हैं पी एक्स थ्री की मदद से हम इसको आर एक्स में बदल सकते हैं बाई प्रोडक्ट होगा एच थ्री पी थ्री पी सी एल फाइव की मदद से भी हम इसको किस में बदल सकते हैं आर एक्स में बाई प्रोडक्ट होगा पी ओ सी एल थ्री एन एच सी एल और ये छोटू सा मेथड रेड फॉस्फोरस एक्स टू वाला जिससे हम इसको आर एक्स में बदल सकते हैं और एस ओ सी एल टू के थ्रू हम इसको आर एक्स में बदल सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेज सो दिस इज नोन टू बी द बेस्ट टेक्निक साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में कमेंट्री चालू होनी चाहिए हर रिएक्शन के बारे में जो जो चीज़ आपको सिखाई है देन हमने पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स देखो ये चार्ट तुम अपने रिविजन शीट में भी बनाना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स में हमारा पहला मेथड क्या था पहला मेथड था हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कौन सा मैके आई मीन हाइड्रोकार्बन के थ्रू जो हम करते हैं तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के थ्रू करते हैं आइसोमरिक मोनो या एज अ प्रोडक्ट्स मिलते हैं अच्छा वॉट वॉज द स्पेशलिटी क्या स्पेशलिटी थी जल्दी जल्दी बोलो क्या स्पेशलिटी थी क्विकली 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 जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट शाश्वी बिल्कुल सही जितने तरीके के हाइड्रोजन्स उतने तरीके के प्रोडक्ट्स तो हमने देखा इसका प्लेसमेंट कॉर्नर कॉर्नर वाले दोनों सेम तो इनको हमने ए बोल दिया फिर मिडिल मिडिल वाले दोनों सेम तो इनको हमने बी बोल दिया विच मेक्स रूल कि भैया इससे दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वन क्लोरो ब्यूटेन एंड टू क्लोरो ब्यूटेन आगे बढ़ते हैं एल्कीन से हम प्रिपेयर कर रहे थे तो एल्कीन से मैंने तुम्हें बताया एडिशन ऑफ एचएक्स अब इसको मैं अच्छे से लिख के समझा देती हूँ कि एडिशन ऑफ एचएक्स कैसे होता है एल्कीन पे अगर तो कोई बेसिक एल्किन ले ली अपन ने लेट से इथिन ले ली जिस जो सिमिट्रिकल है बिल्कुल इस पे अगर अपन एचएक्स का एडिशन करेंगे तो एक कार्बन हेलोजन पकड़ लेगा और एक कार्बन हाइड्रोजन पकड़ लेगा तो प्रोडक्ट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी देखो सी एच थ्री सी एच CH, टू सी एल यानी क्लोरोइथेन बन गया लेकिन बच्चों अगर हमने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली जैसे सी एच थ्री सी एच सी एच टू तो यहाँ पे क्या रूल होने वाला है कौन सा रूल लगेगा चैट बॉक्स को स्पैम कर दो द नेम ऑफ द रूल के साथ कि एचेक्स का एडिशन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे होता है तो विच रूल इज अप्लाइड वेरी गुड निकिता यादव वेरी गुड ये मोटू कहाँ जाके फंसेगा मैंने क्या बताया था व्हाट वॉज द ट्रिक मोटू बीच में जाएगा तो मोटू बीच में जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच यहाँ पे लग जाएगा X और यहाँ पे सी एच थ्री लग जाएगा ठीक है क्योंकि मोटू बीच में जाएगा और रिच गेट्स रिच क्योंकि सी एच टू पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये और हाइड्रोजन पकड़ लेगा तो बेटा वैसे भी दुनिया का यही नियम है अमीर और अमीर होता चला जाता है ठीक है पैसा पैसे को खींचता है ऐसा सुना होगा आप लोगों ने तो हाइड्रोजन जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो और हाइड्रोजन खींच लेगा तो ये सी सी एच टू से बन गया सी एच थ्री और मिडल वाले जो सी एच है उस पर हाइड्रोजन आ गया ठीक है मोटू बीच में जाएगा अब अब एक सवाल बनता है कि क्या ये सिंगल प्रोडक्ट बनेगा नहीं बेगा ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ठीक है इट विल नॉट बी द सिंगल प्रोडक्ट इट विल बी मेजर प्रोडक्ट तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड एक्स विल ऑल्सो बी फॉर्म बट दैट विल बी फॉर्म एज अ माइनर प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक में आप माइनर प्रोडक्ट्स रिपोर्ट नहीं करते हो ठीक है तो दिस इज नोन एज मार्कोनिक ऑफ एडिशन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में किसकी जोड़ी होती है चैटबॉक्स में लिखेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में किसकी जोड़ी होती है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू पे जी हाँ जी किसकी 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 क्विकली हु इज गोइंग टू रिप्लाई फर्स्ट एंटी ऑफ में जोड़ीदार कौन है जल्दी क्विकली क्विकली मैम आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रही हो अरविंद बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया है वो डिजिटल बोर्ड का सिस्टम कुछ हैंग हो गया है तो टीम इज वर्किंग ओवर इट एंड लेट मी सी रिजॉल्व होते ही मैं बोर्ड पे शिफ्ट हो जाऊंगी थैंक यू वैष्णवी वेरी गुड सुखमन बेटू मेर एंड इराम एहसास एच बी आर एंड पेरोक्साइड ये जैव वीरो की जोड़ी है एच बी आर एंड पैरोक्साइड की ठीक है एच बी आर एंड पैरॉक्साइड की याद रहे अगर पैरोक्साइड सपोज नहीं है सो इन द एबसेंस ऑफ पैरॉक्साइड एच बी आर विल बी एबल टू डू नथिंग ठीक है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इट विल स्टिल फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल बट अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस इसको मिलती है तभी ये कमाल करके दिखाता है यानी इसमें मोटू बीच में नहीं फंसेगा साइड में आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड बी आर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट प्लीज इसको याद रखिए इसके अलावा अगर आप एच आई प्लस पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन लेते हैं वॉट विल बी डन जल्दी बताओ मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ

मतलब बेसिकली अगर यही एक जोड़ी है जो सुपर हिट है एंटी मार्कोनिक के लिए एंटी मार्कोनिक के और क्या क्या नाम होते हैं बाय द वे और क्या क्या नाम होते हैं एंटी मार्कोनिक के एक होता है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट ठीक है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ये फ्री रेडिकल लिख लो कॉपी में पेरोक्साइड इफेक्ट इट विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दूसरा इसका नाम होता है कौन सा नाम होता है खराश इफेक्ट ठीक है अब खराश इनका नाम था नहीं नाम तो बड़ा स्टाइलिश सा होगा लेकिन अपन को तो ऐसा ही नाम लेना आता है खरा चिपेक्ट ठीक है और तीसरा इसका नाम है एंटी मार्कोनिक ऑफ जो कि आप बॉक्स में ऑलरेडी बता चुके हो ठीक है एंटी मार्कोनिक ऑफ स्पेलिंग करेक्ट कर लेना बेटा नेक्स्ट आगे चल रहे एलाइलिकलोजिनेशन जो लास्ट है देखो ये देखो हमने एलकेन से पढ़ लिया एच एक्स का एडिशन पढ़ लिया अरे एडिशन ऑफ एक्स टू भी तो था कल एडिशन ऑफ एक्स टू जिसमें डी कलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर रिमेंबर विसिनल डाइब्रोमाइड्स बन जाते हैं जो कलरलेस होते हैं तो दिस इज ऑल्सो डन एंड एलाइलिक्लोजिनेशन अब मैं पढ़ा रही हूँ ये आज का नया टॉपिक है इसको मैं पढ़ा देती हूँ मेंटी में इसमें से भी सवाल आ सकता है आज की जो क्विज होने वाली है तो हम ले रहे हैं प्रोपीन इतनी देर से हम जब एल्कीन्स पे कोई भी रिएक्शन करवा रहे थे तो वॉट वॉज हैपनिंग एल्कीन के ऊपर अटैक हमेशा डबल बॉन्ड पे हो रहा था डिड यू नोटिस दैट एल्कीन पर अटैक किसका हो रहा था डबल बॉन्ड पर ही अटैक हो रहा था एल्कीन के डबल बॉन्ड पर अटैक हो रहा था जैसे आपने एच बी आर का अटैक किया तो डबल बॉन्ड फट गया और दो कुर्सी खाली हो गई हाइड्रोजन प्रोमिन एड हो गया डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा रूल गवर्न कर रहा है वेदर इट इज़ मारकोनिकॉफ और एंटी मारकोनिकॉफ लेकिन हर बार अटैक कहाँ हो रहा था उस फंक्शनलिटी पर अटैक हो रहा था मतलब डबल बॉन्ड पर अटैक हो रहा था अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें डबल बॉन्ड को हवा भी ना लगे कहीं और रिएक्शन हो तो यस बेटा दिस इज एलाइलिक हैलोजिनेशन जिसमें आप चार तरह के रिएक्शन है जो मैं अभी के अभी आपको लर्न करवाऊंगी अब डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा आप एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलोजिनेशन डबल बॉन्ड को हवा भी नहीं लगेगी मतलब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा इज दैट क्लियर डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगड़ेगा कहाँ अटैक होगा एलाइलिक पोजिशन दिस इज दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन तो अटैक कहाँ होगा इस कार्बन पे होगा अब इस कार्बन पे आप क्या क्या अटैच कर सकते हो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट आज एनसीआर भी सॉल्व होगी इस कार्बन पे आप ऐड कर सकते हो क्लोरीन या ब्रोमीन क्लोरीन ऐड करने के आपके पास में दो तरीके हैं ना ये फिंकल स्टीन नहीं है रोशन ये एलाइलिक एलोजिनेशन है तुम्हारे सी तुम्हारे एनसीआर में ये भी दे नहीं रखे हैं पर भर भर के इसमें से सवाल हैं एक्सरसाइज में भी इन टेक्स्ट में भी और जिसको लग रहा हो ये कोर्स में नहीं है अभी किसी ने लिखा नहीं है चैट बॉक्स में अगर किसी को लग रहा है कि मैम एनसीईआरटी में नहीं आप कैसे पढ़ा रहे हो तो थोड़ी देर बाद आप एनसीईआरटी के ही सवालों में देखना इसके बिना वो सवाल हो सकते हैं क्या और बताना मुझे ठीक है तो दिस इज एलाइलिक कार्बन आप एलाइलिक पोजिशन पे क्लोरीन भी लगा सकते हो ब्रोमीन भी लगा सकते हो क्लोरीन भी लगा सकते हो और ब्रोमीन भी लगा सकते हो और राइट एलाइलिक पोजिशन पे क्लोरीन लगाने का क्या तरीका है क्लोरीन लगाने का तरीका है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट लाइट या हीट तो एलाइलिक पोजिशन पे अटैक होगा डबल बॉन्ड पे हवा भी नहीं लगेगी दूसरा तरीका एसओ टू सीएल टू इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड सल्फ्यूरिल क्लोराइड अभी मैं ओरल टेस्ट भी लूंगी ओरल टेस्ट इन द चैट बॉक्स इथ सेल्फ याद रखना क्लोरीन के दो तरीके एक तो सीएल टू एचन यू और एक एसओ टू सीएल टू ब्रोमीन लगाने के भी बेटू दो तरीके हैं ठीक है कौन कौन से दो तरीके एक तो बी आर टू एच यू और दूसरा एन बी एस अभी पंचायतियों होगी कि मैम एन बी एस का फुल फॉर्म क्या है वैसे लर्न होगा नहीं तुमसे लेकिन पूछोगे जरूर एन रोमो सक्सीन एन ब्रोमो सक्सीन ठीक है अभी बोल दो मैम छोड़ो ना क्या बता रहे हो सक्सीन अमाइड ठीक है तो एन बी एस की फुल फॉर्म है एन रोमो सक्सीन और ब्रोमीन हीट की प्रेजेंस में तो याद रखो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या सनलाइट एलाइलिक पोजीशन को इफेक्ट करेगा डबल बॉन्ड को नहीं लेकिन यही क्लोरीन नॉर्मली रखोगे तो डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर सकता है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट करोगे एलाइलिक पोजीशन इफेक्ट होगी ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर करोगे तो विसिनल डाइब्रोमाइड्स बनेंगे देखो कितना मस्त चीज़ है ये मतलब देखो मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर तुम सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू की दो तरीके से रिएक्शंस करवाते हो कौन से दो तरीके से देखो इधर 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 लिखते हैं पहला टाइप है आप ले तो दोनों में क्या रहे हो ब्रोमीन रहे हो बी आर टू लेकिन एक रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो एचन न्यू की प्रेजेंस में और दूसरी सीसीएल फोर की प्रेजेंस में तो एक में ए प्रोडक्ट बनेगा दूसरे में बी बताओ ए और बी क्या होंगे बताओ ए और बी क्या होंगे गौरव दोबारा बताऊं बताती हूं बताती हूं जल्दी जल्दी हाँ गौरव मैं एक बार और बता रही हूं थैंक यू थैंक यू श्याम श्याम जल्दी कौन बता रहा है आंसर आई एम स्टिल लुकिंग एट द चैट बॉक्स कि कौन आंसर दे रहा है निकिता यादव आंसर दे रही हैं जिसमें सी एच टू एंड एलाइलिक कुछ बोल रही हैं और एनीवन एल्स Uh, सत्या बोल रहे है, ए तो है ब्रोमोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन नहीं बेटा क्लोरो कहां से आ गया ब्रोमीन लगा रहे हैं ना क्लोरो कहां से आ गया संध्या सं, साधना यादव चलो मैं ही इसका आंसर बताती हूं तुम में से कोई नहीं बता पा रहा ब्रोमीन को अगर आप एचन न्यू की प्रेजेंस में करोगे प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट कि ब्रोमीन को अगर आप एचन की प्रेजेंस में करोगे बिट्टू तो क्या होगा ब्रोमीन एलाइलिक पोजिशन पे एड हो जाएगा तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच टू एक मिनट सी एच थ्री इसको इरेज ही कर देते हैं दोबारा से बनाती हूँ जगह कम है ए विल बी सी एच टू यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन और ये एज इट इज रह जाएगा मतलब डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप एच यू की प्रेजेंस में कराते हैं तो एलाइलिक पोजीशन इफेक्ट होगी लेकिन अगर आप किसकी प्रेजेंस में कराते हो सी सी एल फोर की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तो बनेगा सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच बी आर सी एच टू बी आर इसको थोड़ा ध्यान से समझो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप ब्रोमिनेशन को सी सी एल फोर की प्रेजेंस में कराते हो तो ये तो आप पहले ही पढ़ लिए ना अगला पढ़ते आएंगे पिछला भूलते आएंगे ऐसा थोड़ी होता है सी एल बी ब्रोमीन को अगर आप सी सी एल फोर की प्रेजेंस में कराते हो तो वो ब्रोमीन दोनों का, डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड टूट जाता है जो अपनी कॉमन प्रैक्टिस है लेकिन उसी ब्रोमीन को अगर आप एच न्यू या फिर हीट की प्रेजेंस में करवाते हो तो डबल बॉन्ड पे हवा भी नहीं लगती कहां पे होता है रिएक्शन एलाइलिक पोजीशन पे होता है सिमिलरली आपको क्लोरीन लगाना है एलाइलिक पोजिशन पे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट एन एसओ टू सी एल टू बोलो हुआ याद बोलो फटाफट से जल्दी से बोलो हुआ याद कि अगर आपको क्लोरीनेशन करानी है एलाइलिक पोजिशन पे एलाइलिक पोजिशन कौन सी होती है ये जिसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं और डबल बॉन्ड को छिड़ने ही नहीं देना है तो आपको सी एल टू एचन यू या फिर एसओ टू सी एल टू और अगर आपको इसी जगह ब्रोमीन लगाना है तो बी आर टू एचन यू या फिर एन बी एस ठीक है याद हो गया ओके okay. देखो अब ये चीज हम कर चुके हैं जस्ट हैव अ लुक हमने एडिशन ऑफ एच कर लिया जो कि दो तरीके से होता है एक तो मार्कोनिकॉफ एक एंटी मार्कोनिकॉफ हमने एडिशन ऑफ़ एक्स टू कर लिया जिसमें हमने स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ा है बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर हमने एलाइलिक हेलोजिनेशन कर लिया जिसकी हमने चार रिएक्शंस करी हैं दो क्लोरीनेशन की हैं और दो ब्रोमिनेशन की हैं क्लोरीनेशन की दो कौन सी हैं सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू या फिर एस टू सी एल टू ब्रोमिनेशन की दो कौन सी हैं बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू या फिर एन्रोमो सक्सीनामाइट यानी कि एन बी एस तो ये तीनों कैटेगरीज हो गई हैं नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द लास्ट कैटेगरी विच इज हेलोजन एक्सचेंज देखो जरा फिर एन लगाएंगे हेलो मतलब हेलोजन एक्सचेंज क्या मतलब है पहले तुमने अल्कोहल से बनाया एल्काइल किस किससे बनाया अल्कोहल से फिर तुमने किससे बनाया हाइड्रोकार्बन से जिसमें एल्केन्स आया एल्किन्स आया अब बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी फॉर हेलो एल्केन प्रिपरेशन आ रही है जिसमें एल्काइल हेलाइट से ही एल्काइल हेलाइट बनाओगे आप एल्काइल हेलाइट से ही एलकाइल हेलाइट बनाओगे तो इसमें दो नेम रिएक्शन है एक है हेलोजन एक्सचेंज और एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज में क्या करते हैं अगर आपका एल्काइल हेलाइड का हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो आयोडीन के थ्रू और बन जाएगा आर आई प्लस एन ए एक्सो हम बोलते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन ठीक है हेलोजन एक्सचेंज का पार्ट टाइम सॉरी मेरा ध्यान कंप्यूटर की तरफ था तो मैंने क्या बोल दिया एक है हैलोजन एक्सचेंज एक है finkelstein. नहीं हैलोजन एक्सचेंज की दो रिएक्शन है फिंकल स्टीन एंड स्वाद्स ठीक है मेरा ध्यान था कि वो सिस्टम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है आई थिंक बेटा सिस्टम हो गया है ठीक तो आप एक मिनट रुकिएगा मैं डिजिटल बोर्ड पे स्विच कर रही हूं ठीक है आप एक मिनट बस रुकिएगा और गपशप मारिएगा मैं डिजिटल बोर्ड पे आती हूँ ठीक है बच्चों के फटाफट हूँ बता दो अभी आया होगा एकदम मजा आई थिंक आई एम विजिबल ऑल राइट तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से वापस से नहीं स्टार्ट करते हैं इसी रिएक्शन को पढ़ते हैं जो अभी अपन ने पढ़ी थी उसी से डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूं मैं सिस्टम भी हैंग हो जाता है है ना तुम तो अक्सर हैंग हो जाते हो कभी कभी ये भी हैंग छोड़ती नहीं है ये सिस्टम तो फिर भी आज ही हैंग हुआ है इसको क्या बुरा भाला बोल रहा तो देखिए एल्कीन प्रोपीन थी ना अब जोश आएगा भाई आदत यहाँ पढ़ाने की है तो एल्कीन जो है मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप जो भी रिएक्शन एल्किन पे कराते हो ध्यान से सुनना दस मिनट पढ़ाऊंगी फिर मेंटी स्टार्ट होने वाली है आप जो भी रिएक्शन एल्किन पे कराते हो उसमें मोस्टली हो जाते हैं जैसे की, जैसे कि कि जस्ट हैव अ लुक कि जैसे आपने आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लिया तो आपने जब एच एक्स का एडिशन करवाया एच एक्स का तो क्या हुआ डबल बॉन्ड टूटा और एच एक्स एड हुआ आपका मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बना आर सी एच एक्स ठीक है फिर आपने इस पर एडिशन किया सेम इस पे तो जब आपने एक्स टू का एडिशन किया तो क्या प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट बना आर सी एच एक्स देख रहे हैं ना कि भाई हर वक्त क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है डबल बॉन्ड ऐसा टूट जा रहा है फट रहा है और दोनों कार्बन पे ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं हो और जो हो वो एलाइलिक पोजिशन पे हो डबल बॉन्ड पे हवा भी ना लगे तो आपके पास एक सेट ऑफ रियक्शन है जो ये ठीक है अगर आप क्लोरिनेशन को की प्रेजेंस में करवाते हैं जो फ्री रेडिकल रेडिकलोजिनेशन होता है तो बेटा डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही रह जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा ठीक है सिमिलरली आप एसओ टू सी एल टू से करवाते हो जिसको हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं तो डबल बॉन्ड नहीं छिड़ेगा इस पोजिशन पे क्लोरीन आ जाएगा सिमिलरली अगर आप ब्रोमीन लेते हैं एच न्यू की प्रेजेंस में मेरे बच्चों तो डबल बोर्ड नहीं छिड़ेगा यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा याद रहे यही ब्रोमीन का रिएक्शन अगर तुम सी सी एल फोर की प्रेजेंस में करवाओ तो क्या होता था तब ये एलाइलिक कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होता था बेटू किस पे होता था सी एच थ्री CH, सी एच यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएजेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मतलब उसी ब्रोमीन को आपने प्रेजेंस में क्या करवाया तो डबल बॉन्ड ऐड हो गया और ठीक है क्लियर, क्लियर बेटा ओके तो धमजअप कर दो अरे स्माइल को दे दो यार आज मैम बहुत स्ट्रेस्ड हो गई है इतनी देर से एक तो पौने पौने नौ बजे से वो सिस्टम हैंग हो गया फिर ठीक नहीं हुआ फिर मुझे इतना स्ट्रेस हुआ दस मिनट तो मैम बिल्कुल एकदम ऐसा वाला स्ट्रेस हो गया तो स्माइल तो दे दो मैम पापस से क्या हो एनर्जाइज हो जाए और इधर देखो एनब्रोमो सक्सीन माइड में यहां ब्रोमीन लग गया सी एच सी एच टू के बगल में ठीक है अब नेक्स्ट हमारा है हेलोजन एक्सचेंज जिसका फर्स्ट टाइप है फिंकलस्टीन और दूसरा टाइप है स्वात्स दो तरीके की, की रिएक्शन है ये बात मेरे प्यारे बच्चों ये बात तुम्हारी मुस्कुराहट जो है ना उससे मैम का मूड एकदम ऐसा बल्ले बल्ले हो जाता है स्माइल का इमोजी नहीं है छत्री के पास तो दो तरह की इमोजी भेजे देखो कौन से भेजे हैं छत्री को देखो जरा यहाँ आके बदमाशी करता है वहां प्लस में देखो कितने शांति से के पढ़ाई करता है कोई कह नहीं सकता कि दोनों सेम बच्चे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्का है किसी एक एलकाइल से दूसरे दूसरे एलकाइल पहले एल्कोहल से हेलाइट बनाए फिर एलके इन से हेलाइट बनाए फिर एल्कीन से हेलाइट बनाए अब एल्काइल से हेलाइट बना रहे हैं है। है। क्या हेलाइट बनाने ये मैम नहीं बताएगी ये आप बताओगे ठीक है देखते हैं कैसे आप बता पाते कि नहीं इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं कि नहीं तो फिंकल स्टीन करके एक साइंटिस्ट हुआ है जिन्होंने बरसों लगाए हैं इस रिएक्शन को ईजाद करने में ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि अगर आप क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेते हैं और उसका रिएक्शन आप एन के साथ करवाते हैं तो इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर एक्सचेंज हो जाता है ठीक है तो एक्स निकल जाएगा बाहर एनएक्स

सब याद कर लो ए जी एच जी को सब याद कर लो क्यों याद कर लो ए जी एच जी को सब याद कर लो याद कर लो क्यों याद कर लो सारे बच्चे एजी एच जी को एजी एच जी को सब क्योंकि यही है फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब ये भी फ्लोरीन लेके आता है यह भी फ्लोरीन लेके आता है

देखते हैं कौन बच्चा बॉक्स में सही आंसर कर रहा है मैं एक लॉजिकल सा सवाल पूछ रही हूँ देखते हैं कौन महारथी मेरा चैट बॉक्स में आंसर करेगा आई want टू कन्वर्ट CH3CH एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इन फर्स्ट कन्वर्जन फॉर माई सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ को मुझे कन्वर्ट करना है CH3 CH2 थ्री में बोलो भाई क्या किया जाए चलो देखते हैं देखते हैं कौन है महारथी ज्योतिका आप नहीं करना अभी आंसर ठीक है ज्योतिका नहीं करेगी सुखमन नहीं करेगी लव फ्रॉम गुजरात लव फ्रॉम राजस्थान बेटू गॉड ब्लेस यू अंक्षत्रि तुम चुप रहो सब प्लस में पढ़ के आए हो तुम देखो अं कितना होशियार बन रहा है राखी केशरी भी कुछ कह रही हैं काजल मिश्रा भी कुछ कह रही हैं थैंक यू रानी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल तो कोई बच्चे ऐसे ना कर देना कि डायरेक्टली मतलब वो जय वीरू के बजाय वो उल्टी पुलटी जोड़ी सेट मत कर देना फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई हैलोजन आता है बेटा तो वो ब्रोमीन आता है फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई हाइलोजन आता है तो वो ब्रोमीन आता है दैट टू सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं तो अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन चाहिए तो डायरेक्टली नहीं आ सकता पहले आप एचबीआर की मदद से क्या करेंगे पहले आप एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पेरोक्साइड आप इसका क्या करवाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ CH3CH2CH2Br करवा देंगे फिर आप क्या करवाएंगे ब्रोमीन को एक्सचेंज करवाएंगे आया ना काम हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बेटू आया ना काम तो यहाँ आप क्या करवा रहे हैं से रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसके टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर क्योंकि आयोडीन इस पे लग गया और सोडियम ब्रोमाइड बन गया बाइप्रोड जिसकी जरूरत नहीं है बनाने की तो ऐसे ही आप इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें क्लोरिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एजीएफ डाल दो ठीक है एजीएफ डालोगे तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री तो दिस इज फर्स्ट कन्वर्जन फॉर माई ट्वेंटी ट्वेंटी टू बोर्ड एसपिरंस जिसमें इन्होंने प्रोपीन को वन ब्रोमो प्रोपेन में एंड एंड वन 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 फ्लोरो वन वन आयोडो वन फ्लोरो आयोडो में में बदलना सीखा है याद रहे कि कोई बोल दे अगर कि वन आयो, आयोडो में बदलो तो एच आई पेरोक्साइड मत करा देना कुछ ना हो पाएगा एच आई पेरोक्साइड तो कतई मत करा देना फ्लोरिन नाराज हो जाएगा तो पहले तो आपको यही करवाना है फिर सेकेंड स्टेप आपका नेम रियक्शन वाला होगा तो चलिए फटाफट से एनसीईआरटी का एक क्लोज लुक ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस फील होता है जब वो एनसीईआरटी में से कोई चीज पढ़ लेते हैं तो लेट्स फट, फट ठीक है हमने क्या किया आ, पहले हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन की ये अपना लुकाश्री रिएजेंट है सबको रट चुका है ठीक है और इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री होता है ठीक है ये अपना एन ए बी आर ओर है जो कि हमको अच्छे से याद हो चुका है क्योंकि ये सुगली सी रिएक्शन है मोनिका मैम को पसंद नहीं है ऐसे करके तुम्हें याद है फिर इसका बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें थ्री पी एक्स थ्री आता है उसका बाई प्रोडक्ट एच थ्री पीओ थ्री मिलता है और जिसमें पी फाइव आता है उसका बाई प्रोडक्ट पीओ सी एल थ्री एच सी एल मिलता है उसके अलावा रेड फोर्स इन एक्स टू नन्नी सी सी रिएक्शन है जिसके अंदर कैसे आर ओ एच आर एक्स में बदल जाता है

हाइड्रोकार्बन में आपने इतना सा पैरा को अपन ने पूरी क्लास में पढ़ा था हम के पढ़ रहे थे कि जितने तरीके के कार्बन उतने तरीके के प्रोडक्ट तो देखो इसमें कॉर्नर कॉर्नर वाले का प्लेसमेंट एक जैसा है तो ए ए मिडिल मिडिल वाले का प्लेसमेंट एक जैसा है तो बी बी तो हमने ए और बी दो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए दो बने वन क्लोरो एंड टू क्लोरो मैकेनिज्म का नाम याद रखिएगा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन उसके बाद एल्कीन से बनाया तो बुक में तो एल्कीन से मेथड्स दो तीन ही दे रखे मैंने ज्यादा करवाए हैं एंड आई विल प्रूव इट कि मैंने जो ज्यादा करवाया वो वेस्ट नहीं है जस्ट वेट एंड वॉच तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलाइट का एडिशन हम करते हैं ये टूट जाता है बॉन्ड ये वाला ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये टूट करके क्या होता है दोनों पे एक एक कुर्सी खाली हो जाती है दोनों कार्बन पे एक एक बैलेंसी फ्री हो जाती है तो जैसे ही एक एक दोनों कार्बन पे एक एक बैलेंसी फ्री होती है तो हम एच एक्स एड कर रहे हैं तो एक पे एच लग गया एक पे एक्स लग गया ठीक है फिर ये कह रहा है कि प्रोपीन टू प्रोपिन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोडोमिनेट करता है प्रोडोमिनेट मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है ठीक है प्रिडोमिनेट मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है एज पर मार्कोनिक ऑफ रूल जो कि तुम क्लास इलेवेंथ में पढ़ चुके हो क्लास इलेवेंथ में क्या पढ़ चुके हो क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा रही है मोनिका मैम मा

और विसिनल डाइब्रोमाइड बना और इसको हमने कलरलेस बोला तो कलर डिस्चार्ज क्यों हुआ क्योंकि कलरलेस प्रोडक्ट्स बने हैं चलो जी नेक्स्ट आया हाइलोजन एक्सचेंज एक्सचेंज में पहला आया रिएक्शन रिएक्शन हाइलोजन ड्राई भी लेते हैं ड्राई एसीटोन सॉरी ड्राई एसीटोन लेते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होता है ध्यान रखना इस पर लिखा हुआ नहीं है बट इन्होंने थ्योरी में दे रखा है ठीक है इसमें आप क्या करेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन को आयोडीन से एक्सचेंज कर सकते हैं तो ऐसे में अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए आयोडो तो फिंकलस्टीन इज द बेस्ट पहले एंटी करा लो फिर फिंकलस्टीन करा लो और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको किससे एक्सचेंज कराना है फ्लोरीन से तो फिर रिएक्शन रिएक्शन में एच जी को सब याद कर लो ए जी एच जी को सब याद कर लो तो तुम्हें कोई रट्टा नहीं मारना है लेकिन तुम ए जी एच जी को सब याद कर लो कि जो ट्रिक है उससे अगर ये रिएक्शन आ जाए तो पहचान जाना कि वो स्वाट्स है बस इतनी सी चीज है ठीक है चलो सवाल करना शुरू करते हैं सवाल करना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी क्विकली प्यारे बच्चों राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन तीनों के प्रोडक्ट्स बनाओ तीन नंबर का टेस्ट लो आज सब्जेक्टिव टेस्ट भी है और मेंटी भी है अब टेस्ट स्टार्ट हो गया बेटा बहुत रिवीजन किया अपन ने दस बार रिवीजन किया अभी प्लीज ना अच्छे से करना बेटू है ना प्लीज अच्छे से करना ऑल द बेस्ट इसको करो जरा ये ब्रोमीन कहां ऐड होगा बताओ मुझे तो ये बता दो इस पोजीशन पे ऐड होगा जिसको मैं ए बोल रही हूँ या इस पोजीशन पे एड होगा जिसको मैं भी बोल रही हूँ चलो बताओ कौन सबसे पहले बोलेगा हाय अनुष्का श्रीवास्तव ने सबसे पहले आंसर दिया साधना यादव ए कह रही है एंड निकिता यादव एंटी मार्कोनिक ऑफ कह रही है राखी केशरी बी सुमित भगत बी प्रिंसेस भूमि बी शिव बी वेरी गुड बेटा बीच में जाके फंसेगा मू टू बीच में जाके फसेगा और जो ऑलरेडी अमीर है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है दुनिया की ये रीत है पैसा पैसे को खींचता है ऐसा सुना है ना तुमने मनी अट्रैक्ट मनी है की नहीं जिसके पास मनी होती है वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता है वो और लखपति से करोड़पति हो जाता है करोड़पति से अरबपति हो जाता है तो ये देखो इसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थी और हाइड्रोजन भी इसी को मिल गई ठीक है तो प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं इसका या एज इट इज टीप रही हूँ देखो बेनजीन को मैं बेनजीन को मैं एज इट इज टीप रही हूँ फिर मैं क्या कर रही हूँ नीचे वाले कार्बन से इधर से ये सी एच बना रही हूं लेकिन इस सी एच पे मैं क्या अटैच कर रही हूँ ब्रोमीन इसको अच्छे से कलर से करेंगे मस्त वाले कौन सा कलर लें कौन सा कलर लें ग्रीन ले लेते ले, हैं ले. तो ये देखो ये, देखो, ये ब्रोमीन अटैच हुआ ठीक है व्हाइट स्लाइड पे हम कलर्स का मजा ही कुछ और है और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया सी एच थ्री दिस इज द प्रोडक्ट तो जिस भी बच्चे ने ये प्रोडक्ट बनाया है इसका वो अपने आपको एक नंबर अलॉट करेगा वन मार्क्स ओके अब ये वाला देखो एच की प्रेजेंस में मोटू कहाँ जाएगा मोटू बीच में जाएगा तो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं सी थ्री एज इट इज टीपरी में पहले रिएक्टेंट सी टू फिर सी और फिर सी थ्री जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है उस पर क्लोरीन आ जाएगा तो ये देखो यहाँ क्लोरीन लग गया तो जिसने भी टू क्लोरो बनाया है वो अपने आप को एक नंबर और देगा और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो तो गई जे, जे की जोड़ी आ गई पेरोक्साइड बोले तो की जोड़ी ठीक है की जोड़ी। तो ये देखो, पूरी एनसीईआरटी लगा रहे हैं अपन ये हमने बेंजीन बनाई फिर ये सी एच टू फिर ये सीएच और क्योंकि एंटी करेगा तो मोटू कॉर्नर में जाएगा बीच में नहीं तो सी एच टू हाइड्रोजन बीच में जाएगा इस बार हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा तो सी एच बन गया सी एच टू और इधर क्या बनेगा यहाँ बनेगा आपका ब्रोमीन तो जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है वो भी अपने आप को एक नंबर दे कितने बच्चों के तीन में से तीन नंबर आए इस सवाल में कितने बच्चों के तीन में से तीन नंबर आए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताएंगे अरे थैंक यू अम्बिका धार थैंक यू सो मच बेटा अच्छा काफी बच्चों के आए हैं लेकिन रक्षिता के आए हैं दो बट आई लाइक योर ऑनेस्टी रक्षिता दो आए हैं तो तुमने रिपोर्ट किया है कि मैम दो आए हैं दैट इज वाई आई लाइक माई क्लास है ना चलो गुड गुड बहुत सारे बच्चों के तीन आए हैं वेरी नाइस इसको ले लो छः नंबर का है इसके बाद हम मेंटी स्टार्ट करने वाले हैं ये छह नंबर का क्वेश्चन है करो जल्दी 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 छह नंबर का है कितनी देर में करोगे बोलो छह मिनट ज्यादा हो जाएंगे दस बजने वाले हैं लेट हो गए अपन धमाधम करो मैं दस सेकेंड बाद मैं लिखना स्टार्ट करूंगी फिर मैच करना आंसर्स निकिता यादव जीरो क्यों आए बेटा थैंक यू थैंक यू रक्षिता बेटा तो चलो एसोसियल टू क्या करता है एल्कोहल वाले मेथड में पड़ा था ना कि OH को निकाल देता है क्लोरीन उसकी जगह लेता है तो इसका आंसर है सिंपल साइक्लोहेक्सेन गलती गलती से भी बेंजीन बनाने की गलती मत करना अगर तुमने बेंजीन लगाने बनाने के लिए साइक्लोहेक्सेन रिंग में ये जीरो लगाया तो तुम्हारा पेपर चेक होते वक्त भी जीरो लग सकता है ये एमसीक्यूज वाले बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूं मैं

लिख लो अगर आपको पता नहीं है तो कॉपी में नोट कर लो कि बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच ओ एच होता है उसमें रेजोनेंस होता है बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच होता है बिटू उसमें क्या होता है रेजोनेंस होता है ये लोन पेयर इधर गिर जाता है जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है इस वाले बॉन्ड का इस वाले बॉन्ड का ठीक है तो ये बॉन्ड तोड़ना इसके बस की बात नहीं है इसलिए वो नहीं तोड़ पाता डबल बॉन्ड स्ट्रोंग होता है तो इसलिए वो नहीं तोड़ पाता तो कौन सा वाला करेगा एच करेगा एल ये वाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अब की बार बेंजीन बेंजीन बनानी है और अच्छा बेंजीन में गोला मार दो कोई दिक्कत नहीं है यहां ओ OH बना दो और इधर क्या बनाओगे इधर सी एच टू सी एल बना दो ठीक है नेक्स्ट ये वाला करो दिस इज नोन एज दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन फिफ्थ वाली

ये तीनों को सॉल्व करते हैं चलो इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं बनाओ बच्चों हाँ चलो बताओ ये वाला सेकंड वाला जल्दी 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 हाँ मैं ज्योति का देखा, देखा, मैं कितनी कार्टून बनती रहती हूँ सबके सामने बस शुरू हो रही है मिनटी शुरू हो रही है लास्ट है इसके बाद ये देखो ये मिनट क्वेश्चन लीक हो गया मिनटी का मेंटी इसके बाद शुरू हो रही है ये नहीं आया समझ एक भी बच्चा आंसर नहीं कर रहा

कौन सी दवाई खाते हो बेटा भूलने की गजनी को भी गजनी पिक्चर के आमिर खान को पीछे छोड़ रहे हो अभी अभी पढ़ा है मैंने ये 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 इधर ये, इस वाली पोजीशन पे ब्रोमीन अब मैं यही तो तुम्हें बोल रही थी कि इन्होंने कंटेंट में तो दिया नहीं ये रिएक्शन और इंटेक्स क्वेश्चंस में पूछ रखा है ठीक है अगला वाला करो अगला वाला क्या होगा ये आयोडीन कहां लगेगा वेयर दिस आयोडीन विल बी एडेड मोटू भीड़ में जा भीड़ में जाएगा ना हाँ भीड़ में जाएगा क्योंकि दो कार्बन है जिनको मैं डॉट लगा रही हूँ जिसपे इसके एडिशन के प्रोबेबिलिटी है तो मोटू कहा जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ही जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बन गया आपका बेंजीन बेंजीन और ये मिथाइल नहीं सॉरी साइक्लोहेक्सेन इधर मिथाइल लगा हुआ है और इधर आयोडो लग जाएगा ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा समझे तुम ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इधर आयोडीन लगेगा भीड़ में जहां भीड़ ज्यादा है वहां आयोडीन लगेगा जहां भीड़ कम है वहां हाइड्रोजन लगेगा सिंपल ये मार्कोनिक और ये भी इसका प्रोडक्ट बनाओ देखो लास्ट वाले का ये ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट है बेटा तो हीट एंड लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन अलग रिएक्ट करता है सीसीएल टू के प्रेजेंस में ब्रोमीन अलग रिएक्ट करता है तो मैं तुम्हारे सामने एक रिएक्शन तुम्हारे लिए बढ़ा रही हूँ यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक तुम्हारे लिए मैं एक रिएक्शन इंक्रीज कर रही हूं और मेरे को आप बताएंगे और दस नंबर का पेपर है ये सीसीएल फोर की प्रेजेंस में क्या होगा एंड हीट की प्रेजेंस में क्या होगा सीसीएल फोर की प्रेजेंस में क्या होगा और हीट की प्रेजेंस में क्या होगा

लेकिन इसी को सीसीएल फोर की प्रेजेंस में करवाते हो तो साइक्लो एक्सन पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एडिशन होके दो ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएंगे इसको अच्छे से समझ लो कोई डाउट है तो पूछ लो इसको अच्छे से समझ लो ये देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी अलायलिक पोजीशन है ये भी अलाइ पोजीशन है मैंने कहा था बी आर टू को हीट या लाइट की प्रेजेंस में अलाइलिक पोजीशन पे लगाना इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो देखो लेकिन अगर सीसीएल फोर की प्रेजेंस में ले रहे हो तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दो ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों फर्क होता है कि किसकी प्रेजेंस में किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं ठीक है तो चलो मेंटी स्टार्ट करते हैं थोड़े सा आज पंद्रह मिनट लंबी चलेगी क्लास और मेंटी स्टार्ट करते हैं कोड क्या है मेंटी का थ्री थ्री फोर एट सिक्स टू टू एट थ्री थ्री फोर एट सिक्स टू टू एट पूरा रिवाइज भी हो गया पढ़ भी लिया थ्री टू थ्री थ्री फोर एट सिक्स टू टू एट थ्री थ्री फोर एट सिक्स टू टू एट थ्री थ्री फोर एट सिक्स टू टू एट जल्दी से वेब ब्राउजर पे जाओ वहां लिखो मेन्टी डॉट कॉम बेटू और वहां लिख करके YouTube में नहीं होती श्वेता बेटू मेंटी मेंटी ऐसे ज्वाइन करनी है आप जिसमें क्या गूगल बाबा किसको बोलते हो अगर आपके पास आईफोन है तो आप सफारी में जाते हो और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप सर्च कहां मारते हो कोई भी चीज जाननी हो सही है गलत है कोई इंफॉर्मेशन कहाँ ढूंढते हो बस वहां जाओ वहां पे क्या लिखोगे वहां मेन्टी डॉट कॉम लिखोगे मेन्टी डॉट कॉम लिखते ही एक पेज आएगा जो आपसे कोड मांगेगा कोड डाल देना थ्री थ्री फोर एट सिक्स टू टू एट बस आप ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी जल्दी, जल्दी और बहुत मजे आने वाले हैं लीडर बोर्ड बनेगा बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं देखे कौन कौन ज्वाइन हो चुका है हमारे साथ वन मिनट के बाद वन नहीं टू मिनट के बाद मैं वेंटी स्टार्ट करूंगी ज्वाइन करके जिसको पानी वानी पीना है वो पी के आ जाए टू मिनट्स के बाद वेंटी स्टार्ट होगी हम्म अनुष्का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए यूट्यूब पे जो क्लास होती है वो यूट्यूब की होती है बेटा इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है ठीक है बिल्कुल फ्री क्विज है और इसमें लीडर बोर्ड बनेगा आपको रैंक में लेके देखना बहुत ही मजा आने वाला है लिटरली एंजॉय कर मेरे 2021 के बच्चे तो मेंटी के पीछे इतने ज्यादा होते थे बहुत खुश हो जाते थे मेंटी आते ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी अगर क्लास में डेढ़ सौ बच्चे बैठे हैं तो दो हो जाते थे मेंटी के नाम पे कोड है प्रगति थ्री अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन कल सुबह ट्वेल्थ क्लास के बच्चे यानी आप लोग के लिए मैंने सॉलिड स्टेट का रिकॉर्डेड प्रीमियर लगाया है रिविजन के लिए तो उसमें सारे प्रमोशन वगैरह काट दिए गए हैं और सॉलिड स्टेट के सारे सेशन को स्टिच कर दिया गया है एज द मैराथन वो लगाया गया है कल सुबह आठ बजे से लेकर के दोपहर को एक बजे तक तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो सॉलिड स्टेट की एक तरीके की वन शॉट है तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे लगा करके आप साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं सॉलिड स्टेट का मैराथन लगवाया है बेटा मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पढ़ना आता कृष्णा अहूजा सॉरी बेटू मनप्रीत इज आइसमैन किस -किस कर लिया मेरे को यहाँ चैट बॉक्स में रिपोर्ट कर दो कि हैव हैव ज्वाइन गुलाम ज्वाइन करो बेटा श्वेता ने ज्वाइन कर लिया है थैंक यू साक्षी यादव इज हेयर अरे बेटू वेरी गुड बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं कार्तिक ज्वाइन कर चुके हैं काजल मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं व्योम ज्वाइन कर चुके हैं आ, राज सिंह हेलो बोल रहे हैं हेलो राज जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा कुएज दिव्या तिवारी ज्वाइन कर चुकी हैं आदित्य रंजन आई विल वेट फॉर वन मोर मिनट जल्दी जल्दी करो अभी ये रुक टिका क्यों हुआ है नंबर क्विकली जल्दी जल्दी करते जाओ नेपाल से अमित शाह नेपाल से क्लास ले रहे हो तुम मेरी क्या बात है यार मुझे यार नेपाल घूमना है नेपाल भूटान कोरोना ने तुम्हारी मैम को पकड़ के रखा है नहीं तुम ढूंढते रहते मैम मिलती ही नहीं तुमको बहुत घूमने की शौकीन हूँ मैं ये तो कोरोना के चक्कर में के अंदर स्ट्रॉबेरी बनी है महक मदान महक मदान की पर्सनैलिटी <laughs> <नहीं> <laughs> मुझे स्ट्रॉबेरी सही बनी है स्ट्रॉबेरी मुझे स्ट्रॉबेरी अधिकी नहीं रही है ये रही महक ये महक रही कशिश भी ज्वाइन ज्वाइन कर कर चुके चुके हैं हैं सारे बच्चे करो बेटा चलो मैं स्टार्ट रही को ऑलरेडी लेट हो है, तो मेंटी तो मिलेंगे, आपको फास्ट आंसर करना है इसके लिए आपको के के कोई नहीं है देखो सी टू एच फाइव बी आर कैन बी ऑप्टेन इन द लेबोरेटरी बाय ऑफ इथाइल विद अगर आपको इथाइल अल्कोहल से सी टू एच फाइव बी चाहिए तो इनमें से किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा थर्टी सेवन बच्चे आंसर कर चुके हैं ट्वेंटी सेकेंड आर रिमेनिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी स्पीड एंड एक्यूरेसी कृति ओझा बेटा मैं क्लास तो डेली लेती हूँ बट इलेवेंथ भी लेती हूँ ट्वेल्थ भी लेती हूँ इसलिए तुम्हारी डेली नहीं हो पाती जल्दी जल्दी सेवेंटी नाइन बच्चे आंसर कर चुके हैं सात सेकेंड बाकी हैं और जल्दी क्विकली थ्री टू

बोलो मैम हमें तो जो आपको पसंद है वो नहीं पढ़ना पसंद है आप कह रहे हो जो आपको रिएक्शन नहीं पसंद है वो पढ़ो है ना इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है वॉट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड जल्दी जल्दी कर रहे हैं बच्चे इस वलीर को तो आज ज्योति का समझती हूँ

मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं चैट बॉक्स में एक तो बनती है यार कैटलिस्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई ऑन इज कौन से कैटलिस्ट को हम एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन में यूज करते हैं ड्राई एच के साथ जब हम एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं तो कौन से कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं राज सिंह मेंटी ज्वाइन करने के लिए गूगल बाबा में जाओ मतलब गूगल वेब ब्राउजर वहां मेंटी लिखो, और कोड लिखो थ्री थ्री फोर एट सिक्स काजल मिश्रा चीटिंग कर लेंगे ओके टाइम इज़ अप फॉर फॉर दिस दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैव कितना रटा है तुमको मैंने

चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे विच इज नॉट एराइल हेलाइड इनमें से कौन है जो एराइल हेलाइड नहीं है ध्यान से प्लीज इनमें से कौन है जो एराइल हेलाइड नहीं है एराइल हेलाइड जो नहीं है सेवेंटी फाइव बच्चे कॉन्फिडेंटली आंसर कर चुके हैं और हमारे पास अभी भी अट्ठारह सेकेंड बचे हुए हैं मुझको लग रहा है राज सिंह ऐसी मस्ती करने आया है पढ़ाई करने नहीं आया श्वेता चंद भी रेगुलर प्रॉमिस श्वेता बिकॉज मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स से मैं यूट्यूब के थ्रू भी बहुत कनेक्टेड रहती हूँ सो टाइम इज दॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी हैव ट्वेंटी एस्पिरेंट्स हु हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन question, question. ये अच्छा सवाल है गुड क्वेश्चन मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आईसी प्रेजेंस में हो रहा है यह डिस्कस भी करूंगी मैं अगली क्लास में ठीक है श्वेता तो नाउ आई विल बी लुकिंग फॉर योर नेम एवरी टाइम अ टेक अ क्लास इन द चारॉक्स सेवेंटीन सेकेंड्स और लेफ्ट मीन वाइल स्टूडेंट्सिंग माई क्लासेज की बच्चों जिन स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत है केमिस्ट्री के लिए प्लीज़ उनसे मुझे कनेक्ट करिए यूट्यूब पे हमारे सेशन एब्सोल्यूटली फ्री होते हैं और मैं उन बच्चों की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहती हूँ जो कि कोचिंग नहीं कर सकते हैं विद सम रीजन ठीक है तो वो यूट्यूब पर पढ़े मोनिका मैम विल बी देयर टू टीच दैम सो फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन नाइनटी फोर एस्पेरेंट्स ने पेयर किया एंड थर्टी सेवन है आईसीएल में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो क्लोरीन था तो क्लोरीन विल बी बीसिडर्ड एज दैट मोटू एंड वो बीच में आके फिर तो मैं ये निर्णय करना था तो ये जेई नीट के हिसाब से था क्वेश्चन अगला सवाल इसको मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में में मंडे आज का होम वर्क कि ये है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए जा रहे हैं उनको अपने कॉपीज में ठीक से करिए अगर आपका कोई सवाल गलत हो रहा है तो फाइंड आउट करिए कि क्यों गलत हुआ और अगर आपका सवाल लेट हो रहा है तो फाइंड आउट करिए कि क्यों लेट हुआ उस टाइम कंस्टेंट में क्यों नहीं हुआ एडिशन ऑफ एच बी आर टू टू gives क्योंकि एनसीआरटी तो हम जितनी पढ़ी वो लगा ली एनसीआरटी में भी कुछ है नहीं अब नेक्स्ट पढ़ाऊंगी तब आगे की एनसीआरटी आएगी एडिशन ऑफ एच बी आर टू टू पेंटीन pentene टू पेंटीन पे एचबीआर के एडिशन से क्या मिलेगा ध्यान से करना यहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है फिसलने का फुल चांस है इधर सिली मिस्टेक का फुल ऑन चांस है ऑल राइट right, तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाए ओनली थर्टी स्टूडेंट्स बेटा टू पेंटीन में जो आपका आ, इस पर अभी वो चलता नहीं है टू पेंटीन में जो आपका डबल बॉन्ड है वो टू और थ्री कार्बन के बीच में आ रहा है तो हाइड्रोजन दोनों के पास बराबर है ऐसे में जो मोटू है वो इधर भी इक्वली आएगा और इधर भी इक्वली आएगा सेकंड कार्बन पे भी आएगा थर्ड कार्बन पे आएगा तो मिक्सचर बन मिलेगा टू एंड थ्री हेलो पेंटेंस का सो दिस इज द करेक्ट आंसर ये भी मैं करवाऊंगी मंडे वाली क्लास में ये मैं क्वेश्चंस ढूंढ के लाई हूँ तुम लोग के लिए नीट uh, एग्जाम में से तो हेयर इज द लीडर बोर्ड वी हैव विद फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी एट पॉइंट उत्कृष्ट ऑन द टॉप देन मनप्रीत प्रगति सत्या माधव शर्मा नैन्सी प्यारी ज्योतिका एमबी मैम की क्वीन या एमबी मैम ही क्वीन एंड श्रुति एंड शाश्वत क्वेश्चन नंबर सेवन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेज इज हेयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन अमीश जब ही कोरोना चले जाएगा ना तो मैं नेपाल आऊंगी तब तुम आओगी मिलने वहां ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ of ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज मैकेनिज्म बोलो मैं बहुत ज्यादा करती हूं काजल मिश्रा बहुत अच्छा बेटा 89 एस्पिरेंट्स ने इसको आंसर किया एंड 64 ने आंसर किया बिल्कुल करेक्टली और अब आने जा रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीनस पे आखिरी सवाल आठवां सवाल नेगेटिव आउटतरी oh, बहुत इजी वाला एथ पे आ गया इसको फर्स्ट पे लगाना था द नेगेटिव पार्ट ऑफ द डंडम एड्स ऑन टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस रूल इज कॉल्ड एज़ आपको पता है प्लस की क्लासेस में ये क्विज डेली होती है जब क्लास होती है ये क्विज़ होती होती है टेन मिनट्स की क्विज कंपलसरी कर रखी है मैंने प्लस की क्लास में क्योंकि एमसीक्यूज की तैयारी करवा रहे हैं तो एम की तैयारी में टर्म वन के अंदर एमसीक्यूज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कॉन्फिडेंस होने चाहिए इसलिए प्लस की क्लास में हर क्लास में ये क्विज़ होती है और हमें वहाँ पर क्या पोर्टल मिला हुआ है यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा क्विज़ वगैरह बनानी रहती है वहाँ हमको ये अपडेट्स में हम ये हमारा जो प्लस का Uh, है उस पर ये पोर्टल पे हमको मिला हुआ है चॉइस की हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ -धर, -धर पोल ले सकते हैं सो फिफ्टी नाइन स्टूडेंट हैव आंसर करेक्टली एंड वी हैव फाइनल लीडर बोर्ड फाइनल लीडर बोर्ड पे हैं कितने पॉइंट्स के साथ कौन है देखते हैं किस पे बारिश होने वाली है मनप्रीत कौर विद सिक्स थाउजेंड फोर इज द विनर ऑफ टूडेज मेंटे बिग राउंड ऑफ अपलॉड वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेल्डन well उसके बाद हैं कौन प्रगति सत्वा माधव शर्मा मेरी प्यारी ज्योत का उत्कृष्ट क्वीन श्रुति एंड रजनी सिंह शाबाश बच्चों ऐसे ही जिंदगी में लीडर बोर्ड पे आना है और लीडर बनते चले जाना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है बच्चों है ना तो वेल डन बेटा वेल वेल डन बहुत अच्छे किया आप लोगों ने बस बोर्ड में भी ऐसे ही धमाल मचाना एनसीआरटी रीडिंग का होमवर्क है प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की पूरी हुई है नेक्स्ट क्लास में हेलो ओरिनस की प्रिपरेशन हमें करनी है हेलो एल्के हेलो अरिन की प्रिपरेशन भी छोटी नहीं है वो भी काफ़ी बड़ी है तो यहाँ तक का आर्टिकल आप अच्छे से रीड करें प्रिपेयर करें आगे मैं कंटिन्यू करवाऊंगी आपको कब मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी मंडे को ठीक है बग्स बाउंटी में आपको कोई इप्रोप्रिएट कंटेंट दे रहा हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ का टाइम टेबल आप नोट कर लें और अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे नया आया है जिसको टाइमिंग्स का पता नहीं है तो प्लीज़ इसको नोट कर लो बेटा टाइमिंग्स को मैं एक सेकेंड टाइमिंग को नोट कर लो इलेवेंथ होती है टीटीएस अच्छा एक सबसे अच्छी खबर यह है कि कल से आ, क्या स्टार्ट होने जा रहा है कल से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास इलेवेंथ स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब पे क्लास ट्वेल्थ को तो मैंने ऑर्गेनिक बहुत बार पढ़ाई है बट क्लास इलेवेंथ को पढ़ाने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है तो बी देयर एवरी वन एंड जितना हो सकेगा अपने फ्रेंड्स को बताएं खैर आपकी ऑर्गेनिक इतनी तो ठीक है कि वो तो बहुत बेसिक से मैं पढ़ाऊंगी तो हाई हेलो करने आ जाना एंड अपने कजेंस को फ्रेंड्स को सबको इन्फॉर्म करना कि मैम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रही हैं इलेवंथ क्लास की यूट्यूब पर कल से कल सैटरडे है कल से मेरा ऑर्गेनिक का पहला सेशन है यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कर ही रहे हैं वजसडे को स्पेशल क्लासेस होती हैं एंड बी द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस सी बी एस ई टर्म वन मतलब अन अकाडमी पर देखिए आप इमर्ज का बिल्कुल शक्ल बदल दिया है बच्चों को ज़रूरत है प्रैक्टिस की एग्जाम लगा दिए हैं जिसमें ऑल इंडिया रैंक आपकी आने वाली है आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलने वाली है तो सोचो मतलब कितनी जबरदस्त चीज है कि आपकी फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे एवरी वीक तो आप तैयारी करें टेस्ट दे तैयारी करें टेस्ट दे तैयारी करें टेस्ट दे रैंक इंप्रूव हो रही है कॉन्फिडेंस आएगा समझे तो ये बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस का हो रहा है ये बिल्कुल फ्री है इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना आपको एनरोल करना है और एनरोलमेंट कोड आप मास्टर ब्लास्टर कोड लगा सकते हैं एम बी लाइफ ठीक है एम बी लाइफ तो क्लास ट्वेल्थ का इमर्ज है जिसको एम बी लाइफ से आपको एनरोल करना है

हाँ जी तो सब्सक्रिप्शन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम दो तरह के कोर्सेज चलाते हैं प्लस आग, 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 प्लस आइकॉनिक 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 और दोनों पे हम ही लोग पढ़ाते हैं बट वालों वालों को वालों को पर्सनल मेंटर लॉट होता है अनम्यूट करके बोलने का फीचर ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि आइकॉनिक को अनकाडमी आप पे प्रायोरिटाइज किया जाता है तो हम लोग को जैसे किसी किसी को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है मतलब की चलो बच्चों ये बताओ कि क्या है हर एक पर्टिकुलर बच्चे को हम अनम्यूट करवा के उससे बात कर सकते हैं प्लस की क्लासेज में तो वो एक फीचर है जो प्लस में एक्स्ट्रा है लेकिन उसमें प्रायोरिटाइज आइकॉनिक लर्नर्स को किया हुआ है तो आइकॉनिक में डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट्स uh, होंगे एंड uh, आपको पर्सनल मेंटर मिलने के साथ साथ आप पे भी आपको जितने भी फीचर्स उसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा एंड uh, आपकी डाउट सॉल्विंग होगी वीकली रिपोर्ट स्ट्रेटी बनाना टाइम टेबल बनाना वो सब आपका पर्सनल कोच करेगा ट्वेंटी सेकंड से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है कौन सा एलकोलॉल इथर्स ठीक है uh, शुभ दिन है बहुत बढ़िया दिन है जिस दिन स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी सेकंड एंड एम बी लाइफ कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़, जुड़ सकते हैं इस मिशन में जहां प्लानिंग गेट आउट ऑफ़ मेरे साथ लाइव सेशन करें बड़ा मजा आने वाला है एंड बच्चों ये जो बैच है हमारा मतलब प्राइम बैच भी चल रहा है इसमें मेरे अपकमिंग ये सारे बैचेस आ रहे हैं तो हमारे रनिंग बैच में मेरे साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आप जिससे चाहे उससे पढ़ाई कर सकते हैं जेई नीट में आपको एक जबरदस्त ऑफर दिया गया है पिछले दिनों जिसकी वैलिडिटी आई थिंक आज तक की आज सेवनटीन है ना सेवनटीन सेप्टेम्बर तक ही वैलिड है और वो ऑफर क्या था एम बी लाइव कोड यूज करने पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ मतलब आपको जिन मेंटर्स से पढ़ने का मौका कोटा जाके भी नहीं मिलता है बच्चों को वैसे टॉप मेंटर से पढ़ने का मौका आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में अपने घर में बैठ के मिल रहा है एंड जैसे एक साल का सब्सक्रिप्शन थर्टी फोर सिक्स फिफ्टी का आपको पढ़ रहा था ये टेन परसेंट ऑफ पे था आप ट्वेंटी परसेंट ऑफ पे करेंगे साढ़े तीन हज़ार और कम हो जाएगा तो बहुत बहुत नॉमिनल चार्जेस में ये हो रहा है लेकिन सिर्फ आज रात तक का ही टाइम है अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो तो इसको कर ले सब्सक्रिप्शन को फाइनल कर ले लेकिन हमने कहा सीबीएससी के बच्चे भी क्यों पीछे रहेंगे तो सीबीएससी के बच्चों को भी अगर नाइन मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं ध्यान रखें नाइन मंथ का तो आपको फिफ्टीन परसेंट ऑफ मिल रहा है फ्रॉम एटीन सेप्टेम्बर ये आज नहीं ऑफर उपर ऑफर कल से चालू होगा 15% ऑफ मिल रहा है और अगर आप एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आपने किसी भाई बहन को 11th क्लास में जिसको दो साल का दिलवाते हैं तो उसको 20% ऑफ मिलेगा तो लेट से आपने 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया अभी यहाँ कॉस्ट तो नहीं लिखी है 9 मंथ्स की लेकिन लेट से आपने 15 15000 का 1 साल का लिया 15000 का इसमें आपने अपना फेवरेट कोड लगाया मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी लाइव अब आपको इसपे ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा यानी कि आपको इसपे थ्री थाउजेंड ऑफ हो जाएगा दिस कोर्स विल कॉस्ट यू जस्ट रूपीज ट्वेल्व थाउजेंड फॉर एंटायर ईयर एंड इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स जिसमें आपको अनम्यूट करके टीचर से बात करने का फीचर मिलेगा आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके डाउट्स को बहुत अच्छे से देखा जाएगा आपको खूब सारे नोट्स मिलेंगे वर्कशीट्स मिलेंगी होमवर्क मिलेगा स्ट्रैटेजी पूरी रहेगी अपन की टाइम टेबल पूरा प्रॉपर रहेगा एंड बहुत वेल डिसिप्लिन फॉर्म में ये बैच आगे बढ़ेगा तो हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको हम मिस कर रहे हैं और हमारे बच्चों के नंबर कम आ जाए वी आर वर्किंग लाइक एनीथिंग वी एज अ टीम ऑफ अन अकेडमी एडुकेटर्स प्लस पीछे भी बहुत लोगों का सपोर्ट होता है वी आर वर्किंग लाइक एनीथिंग कि हमारे बच्चे झंडा गाड़ें ठीक है बहुत जबरदस्त सक्सेस का परचम लहराएं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्लस पे आना पड़ेगा क्योंकि प्लस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेनिफिट्स हैं जो आपको वहीं पता लगते हैं आके वर्कशीट्स का एनसीआर टी का बहुत सारी प्रैक्टिस का एंड ऑफकोर्स आपको टीचर से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है जिससे आपको ज्यादा पर्सनलाइज अटेंशन फील होती है ठीक है एंड एम बी लाइफ कोड यूज़ करके आप आइकॉनिक एज वेल एज प्लस पे ले सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन तो बच्चो एक बार मैं आपको ये ऑफर्स दिखा देती हूँ क्योंकि वो स्लाइड स्टार्टिंग में लगी हुई है स्टार्टिंग में तो हमारे कंप्यूटर्स का सिस्टम गड़बड़ हो गया था हम्म तो यहां देखिएगा आप ये हमारा ऑनगोइंग कोर्स है ये चल रहा है देखिए इसके अंदर हम लोग चारों लोग पढ़ा रहे हैं हमारे बैच में ये कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और साइंस ये अपकमिंग बैचेस हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं देखिए आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़ बैच अलग लॉन्च हो रहा है तो प्लस के फायदे ये हैं कि पढ़ाने वाला बैच अलग है एमसीक्यूज बैच अलग लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर और इसमें भी हम खूब एमसीक्यूज़ कराते हैं और इस बैच में ये सब टीचर्स मिलकर के आपको सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी करवाएंगे आप सोचो आप जब जरूरत हो आप एमसीक्यूज के बैच में सिर्फ अपना प्रैक्टिस पोर्शन को कितना इंप्रूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स तो डेफिनेटली आपको एक्सेल करने में बहुत मदद करेगा ये क्लास का आप शेयर कर सकते हैं एंड uh, जो हाँ ये देखो ये रहा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में नाइन मंथ्स का अगर आप ले रहे हैं तो आपको फिफ्टीन परसेंट ऑफ मिलेगा और ट्वेल्व या ट्वेल्व प्लस ले रहे हैं तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा ये आपका

ओके शॉर्ट शॉर्ट बेटू ज्योतिका मैम मैं अब एम मैम का होमवर्क क्वीन लिखा था बट ही लिख दिया रैंक एट स्ट्रॉबेरी वेरी गुड बेटा अच्छा 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 ये रैंक एट पे तुम थी क्या मैं एक नाइस नाइस वेरी गुड बेटा बायो मॉलिक्यूल्स की नेक्स्ट क्लास कब है बायो मॉलिक्यूल्स की नेक्स्ट अभी इस वेंसडे को तो मैं हेलोल के का क्विज ले रही हूँ तो मॉलिक्यूल्स की नेक्स्ट क्लास भी जल्दी होगी और मैं यूट्यूब पे बताऊंगी हाँ बेटा स्टेट बोर्ड्स के लिए सफिशियंट है एमडी खान स्टेट बोर्ड्स के लिए सफिशियंट है तो गुड नाइट गुड नाइट बच्चों चलो बाय 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 बाय